गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, मैं परीक्षित पांडे आपके अपने विद्यालय सेठ रामविलास इंटरमीडिएट कॉलेज सहलोलवा कृष्णा प्रयागराज में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और सभी अभिभावक बंधुओं को भी मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे संपूर्ण विश्व में COVID-19 खतरनाक महामारी से बचने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी को और आप सभी के हित के लिए ऐसा लॉकडाउन कर दिया है जिससे कि आप अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। और उन्होंने सबसे बड़ा कदम यह भी उठाया है कि जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स अपने घर पे बैठे हुए हैं, उनके शिक्षा के स्तर में कोई गिरावट ना आए, कोई परिवर्तन ना होने पाए, इसलिए उन्होंने सभी विद्यालय परिवार से आग्रह किया है कि ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध कराएं, जिससे कि हमारे माननीय प्रबंधक श्री एपी सिंह जी ने आप लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई है, जिसमें कि बच्चों मैं परीक्षित पांडे मैं आप लोगों को सबसे पहला चैप्टर लेकर के आया हूँ जो है आपकी वास्तविक संख्याएं। आप सभी कॉपी हेयर्स की कॉपियां बना लें और उसमें जो भी सब्जेक्ट्स हमारे अध्यापक गण पढ़ाएंगे उसमें आप लोग उसे नोट करते जाएं, कॉपियों को मेंटेन रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, रिवाइज करते जाएं, जिससे कि आपके शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी कमी ना होने पाए। तो बच्चों मैं चलता हूं आपकी टॉपिक की तरफ। बच्चों आज का ये आपका पहला अध्याय है, पहली टॉपिक है आप लोगों की वास्तविक संख्याएं, जिसे कहा जाता है रियल नंबर्स। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आज हम आपको परिचित कराते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और इन्हें कैसे व्यक्त किया जाता है, ये क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या है। बच्चों कहा जाता है इसकी डिफिनेशन को कहा जाता है कि परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय, संख्याओं के संग्रह को, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। लेकिन जो परिमेय और अपरिमेय होती हैं, परिमेय संख्या भी मुख्यतया दो प्रकार की होती है। आपकी होती है पूर्णांक के रूप में, एक होती है भिन्न के रूप में। होता है पूर्णांक भी मुख्यतया तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। ठीक है, तो मैं बताता हूं बच्चों वास्तविक संख्याओं को ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर देख लेंगे सारी वास्तविक संख्या क्लियर हो जाएंगी, परिभाषा कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं बच्चों, वास्तविक संख्याएं सबसे पहले इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय। परिमेय संख्या और एक तरफ होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय एक तरफ, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय तथा अपरिमेय कहा जाता है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को कहा जाता है वास्तविक संख्याएं। लेकिन जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या जो होती है बच्चों, ये भी मुख्यतया दो प्रकार की होती है। समझ पा रहे हैं, तो परिमेय संख्याएं भी मुख्यतया दो प्रकार की होती है। एक होती है पूर्णांक संख्याएं और एक होती है भिन्न संख्याएं। ठीक है, तो पूर्णांक, अब ध्यान रखना वास्तविक संख्याओं के लिए मैंने कहा परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है।
लेकिन परिमेय संख्या भी मुख्यतः कितने प्रकार की बच्चों, दो प्रकार की, एक पूर्णांक के रूप में और एक किसमें, भिन्न के रूप में। समझ पा रहे हैं, एक पूर्णांक के रूप में और एक भिन्न के रूप में। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो पूर्णांक संख्या होती है यह भी मुख्यतया तीन प्रकार की होती है। तो पूर्णांक संख्याएं भी बच्चों मुख्यतया होती है तीन प्रकार की। कितनी प्रकार की? तीन प्रकार की। तो ध्यान रखना, सबसे पहला होता है धन पूर्णांक होता है। फिर होता है आपका शून्य पूर्णांक। और इसके आगे बढ़ते हैं तो आपका होता है ऋण पूर्णांक। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो मैंने आपको बताया, ध्यान से समझिएगा, कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन परिमेय संख्या भी मुख्यतः कितने प्रकार की बच्चों? दो प्रकार की, एक पूर्णांक के रूप में और एक भिन्न के रूप में। लेकिन पूर्णांक भी मुख्यतः कितने प्रकार का? तीन प्रकार का, एक धन पूर्णांक, एक शून्य पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। तो बच्चों इसको मैं सबसे पहले आपको परिचित कराता हूं इनकी संख्याओं से। तो ध्यान रखना, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, अर्थात जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, परंतु उसमें जो हर हो अर्थात क्यू हो, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब हर का मान जीरो के बराबर न हो। तो बच्चों परिमेय संख्याएं जो परिमेय होती हैं, इनकी एग्जांपल जैसे आपका हो गया -5 हो गया, जैसे 2 हो गया, 7 हो गया, जैसे 8/5 हो गया, ठीक है, तो आपकी रही परिमेय संख्याएं। परिमेय क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू मतलब अंश बटे हर, जैसे -5 है तो -5 के नीचे एक छिपा हुआ है, ठीक, इसको P कहते हैं और इसको Q, तो अंश बटे हर, ये आपकी हो गई परिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। अब आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या जो होती है इनका वैल्यू करणीगत होता है। कैसे? करणीगत, करणीगत संख्या के रूप में होगी, मतलब करणीगत, करणीगत का मतलब जैसे बच्चों रूट आपका 3 हो गया, रूट जैसे 5 हो गया, रूट जैसे 7 हो गया, मतलब ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य संख्या के रूप में अर्थात एक निश्चित पूर्णांक के रूप में व्यक्त न की जा सके, तो ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन ध्यान रखना, सभी करणी के अंदर रहने वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। जैसे बच्चों आपका √16, आप बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय? तो बच्चा कहता है अपरिमेय है सर। लेकिन अपरिमेय कहां है? 16 जो है ये 4 का क्या है? वर्ग है। 4 का क्या है? वर्ग है। जब 4 का वर्गमूल है तो ये कहां से हो गया? तो ये इसे बाहर निकाला जा सकता है ना, इसलिए करणीगत संख्या किसी अन्य संख्या की वर्गमूल अर्थात वर्ग के रूप में ना हो। तो बच्चों ऐसी संख्याएं आपकी हो गई अपरिमेय संख्या। अब बात आती है पूर्णांक क्या है, पूर्णांक और भिन्न, पूर्णांक और भिन्न। तो बच्चों जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक क्या है? पूर्णांक जैसे आप लिखते हैं इसमें 1, 2, 3, 0, समझ पा रहे हैं, -1, -2 आदि संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। भिन्न संख्याएं क्या हैं? भिन्न संख्याएं क्या हैं? जो अंश बटे हर के रूप में हो। लेकिन कभी कभी बच्चा ऐसा भी क्वेश्चन करता है कि श्रीमान जी पूर्णांक और भिन्न में क्या अंतर है, पूर्णांक और भिन्न में क्या अंतर है? तो शिक्षकगण बताते हैं कि बच्चा ऐसी संख्या जो पहले से ही अंश बटे हर के रूप में व्यक्त की गई हो वे संख्याएं भिन्न संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्णांक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो एक निश्चित वैल्यू के रूप में रखी हुई होती है। तो ऐसे फिर आपका आगे आता है भिन्न। तो भिन्न संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में व्यक्त की गई हो, जैसे 3/4, 2/6, समझ पा रहे हैं, जैसे 5/3 आदि इटीसी एक्स्ट्रा हो सकती हैं, समझ गए ना, ये है आपकी भिन्न संख्याएं। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपने देखा कि पूर्णांक तथा भिन्न संख्याओं के संग्रह से मिलकर क्या बना होता है, परिमेय संख्या। तो कोई पूछे परिमेय संख्या क्या है तो आप बताएंगे परिभाषा कि पूर्णांक
तथा भिन्न संख्याओं के संग्रह को क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या कहा जाता है। आप समझ गए? अपरिमेय संख्या की डिफिनेशन ये भी होती है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जा सके, अर्थात p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, अब फिर बढ़ते हैं बच्चों धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक, पूर्णांक मतलब अंक, संख्या। समझ गए? संख्या क्या होती है? संख्या क्या होती है आप लोग जानते हैं? नहीं। संख्या किसे कहते हैं? नहीं पता है। ध्यान रखना, किसी भी निश्चित मान को व्यक्त करने के लिए या किसी भी एक निश्चित अवधि, निश्चित समय, निश्चित टाइम, निश्चित धन को व्यक्त करने के लिए जिस आकृति की आवश्यकता पड़ती है उसी को संख्या कहा जाता है। आकृति ही क्या कहलाती है? डिजिट। संख्या कहलाती है, नंबर्स कहलाती है। ये आप आता है फिर बच्चों धन पूर्णांक, मतलब धनात्मक संख्याएं। जैसे बच्चों आपकी हो गई 1, 2, 3 या आपकी धनात्मक संख्याएं हो गई। ठीक है, फिर आता है शून्य पूर्णांक। तो शून्य पूर्णांक जैसे आपका हो गया 0, ये आपका शून्य पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक मतलब जिन संख्याओं के पहले क्या लगा हो, ऋण मतलब माइनस का सिंबल हो। तो बच्चों जैसे आपका हो गया -5, -6, -4 आदि, ये संख्याएं क्या हो गई? ऋण पूर्णांक। तो ध्यान रखना कि धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक तथा ऋण पूर्णांक के संग्रह से पूर्णांक बनता है। पूर्णांक तथा भिन्न संख्याओं के संग्रह से परिमेय संख्या बनती है। परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्याओं के संग्रह से क्या बनता है बच्चों? वास्तविक संख्याएं बनती है। ठीक है, तो मैं वास्तविक संख्याओं की डिफिनेशन होती है, डिफिनेशन जो इसकी होती है, परिभाषा। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? मतलब परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को कहा जाता है वास्तविक संख्याएं। लेकिन ध्यान रखना, मतलब कहते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों ध्यान रखना, डिफिनेशन आप सब भूल सकते हो, परंतु जो स्ट्रक्चर मैंने भी बनाया था, यदि स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा तो उसे कदापि आप नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे रहा हूं। जैसे आपके एग्जाम्पल, जैसे आपका हो गया 3, 5, 0, √3, √5/7। समझ गए ना? तो ये सभी संख्याएं क्या है बच्चों? वास्तविक संख्याएं, क्योंकि देखो इसमें परिमेय भी संख्या है और अपरिमेय संख्या भी है। इन्हें मिक्स कर दिया गया तो क्या बन गया? वास्तविक संख्याएं बन गई। समझ पाए? तो रहा आपकी वास्तविक संख्याओं का परिचय। फिर आगे की ओर मैं आपको इसमें ले चलता हूं। नेक्स्ट जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, तो आपका आ जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसे कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी को ही कहा जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान होना चाहिए आपको कि ये बात आपको क्लास 6 से लेकर के बेटा सबको पता है, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि ये हमारे लिए नया है। यदि अगर मैं अभी बता दूं कि ऐसा होता है तो कहोगे हाँ सर ये मुझे तो पता था। बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
किसी को पता है नहीं पता है। तो ध्यान रखना, आपने पढ़ा है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेष फल, पढ़ा है ना सभी लोगों ने। तो जब इससे आप लोगों ने पढ़ा है उसी को कहा जाता है यूक्लिड भाजन प्रमेय का, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाता हूं, क्लास टेंथ में एक या दो नंबर में इसमें से सवाल आपसे पूछता है, इसलिए आप सही से इसे पढ़िएगा। यूक्लिड भाजन प्रमेय का क्या होता है, ए है आपका भाज्य, ए होता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेष फल, ठीक है साथियों। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेष फल। अब आपको एक बात और बता दें, आप जब इसे ध्यान रखें, जब आप इसे क्वेश्चन में जब आप इसे प्रयोग करेंगे तो आप इसे कैसे करेंगे, यूक्लिड भाजन प्रमेय का को भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेष फल यहां पर आपको दे दिया है, तो आपके क्वेश्चन में ध्यान रखना आपको एक फार्मूला लगाना होता है। बच्चों मान लीजिए, माना भाज्य की जगह कोई संख्या सी है और भाजक की जगह कोई संख्या बी है, क्या है बी है, गुणित भागफल की जगह कोई संख्या q है अर्थात कोई धनात्मक संख्या q है प्लस शेषफल की जगह स्मॉल r है, इसे कहा जाता है बच्चों c। तो इसे आप कह सकते हैं c इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, c इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, गलत है ये। तो ध्यान रखना इसमें सबसे पहले भाज्य की जगह कोई संख्या सी ले लीजिए, भाजक की जगह कोई संख्या डी ले लीजिए, इंटू भागफल की जगह कोई संख्या क्यू है और शेषफल की जगह कोई संख्या आर है, इसे आप लिख सकते हैं सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। बच्चों ये क्या है, सी है भाज्य भाजक, डी है भागफल, क्या है क्यू है, रिमाइंडर क्या है शेषफल है, बात समझ पा रहे हैं। तो ए आपका होता है और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि शेष फल शून्य न हो जाए, समझ गए, ये प्रक्रिया तब तक आपके क्वेश्चन में चलेगा जब तक आपका शेष फल शून्य न हो जाए। और एक बात और भी है बच्चों, विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड भाजन प्रमेय का उन्हीं संख्याओं में लागू होता है जो संख्याएं धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक संख्याओं में इनका यूज नहीं होता है, बात समझ पा रहे हैं। इसी यूक्लिड भाजन प्रमेय का या यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम के माध्यम से ही हम लोग ज्ञात करेंगे एचसीएफ, क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ जिसे आप कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में कहते हैं मसप, महत्तम समाप वर्त। तो बच्चों महत्तम समाप वर्त आप सबको तो आता ही होगा। तो ध्यान रखना आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलूंगा, लेकिन जितना पढ़ाया हूं कॉपी बना लो, रिवाइज करते जाओ, नोट कर लो, जो बातें समझ में ना आए आप लोग कमेंट भी करते जाएं, ठीक है। फिर आगे की ओर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलूंगा, लेकिन आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे घर के लिए नोट कर लीजिए, जैसे 15 और 45 का एचसीएफ क्या होगा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका है 60 और 180 का, तीसरा क्वेश्चन आपका है कि 220 और 440, और चौथा क्वेश्चन आपका है 88.44। तो ये सब है बच्चों आपका वर्क, तो इतना आप सब करके आइएगा, आज के क्लास में बस इतना ही, आशा करता हूं कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में अपने सभी क्लासमेट को इनवाइट करो पढ़ने के लिए, ताकि उनके शिक्षा में कोई गिरावट ना आने पाए, समझ पा रहे हैं बच्चों, ठीक, थैंक्स, बाय बच्चों।